नमस्कार, राजेश हूँ। कैसे हैं आप सब? रेडियो गूंज एफएम 90 MHz पर लगातार आप हमारी आवाज सुनते हैं और रेडियो गूंज पर हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी होता है और कुछ धर्म की बातें भी हो जाती हैं। सनातन धर्म हमारा, हाँ, 5,000 साल पुराना इतिहास है और कहते हैं कि 9 ग्रह के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमते रहती है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ आचार्य रूपेश पाठक जी मौजूद हैं और आज इन्होंने हमें बताया है कि सोमवारी अमावस्या है और चंद्र ग्रहण भी है। हम आज के विषय में महाराज जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार सबको। नमस्कार राजेश जी। बताइए कि सोमवारी अमावस्या और ये जो चंद्र ग्रहण है, जी हाँ, राजेश जी, कब से कब तक है और ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या का अलग ही इसका अपना प्रारूप है और अलग ही महत्व है। जी सोमवती अमावस्या काफी दिनों के बाद आता है। हाँ सोमवती हाँ अमावस्या को हर एक व्यक्ति के लिए, जो जिस चीज में सफल नहीं हो रहे हों हाँ उनके लिए विशेषकर ये जो सोमवती अमावस्या होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है। अच्छा इसमें अब जैसे आप देख लीजिए कि किसी कभी कई बार देखते होंगे कि बच्चे पढ़ते हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। बच्चे बैठे हुए, उनका मन एकचित्त नहीं रह पाता, मन उनका जो है विचल रहता है। इस परिस्थिति में करना यही है कि जैसे आज शाम के बेला में, जिसको गोधूलि बेला हम लोग कहते हैं, सोमवती अमावस्या के गोधूलि बेला में जी 5 फूल वाली लौंग, 5 फूल वाली लौंग। फूल लौंग हाँ वाली हाँ लौंग, लौंग के ऊपर एक छोटा सा लगा हुआ रहता है उसको फूल वाली लौंग कहते हैं। 5 फूल वाली लौंग, 5 इलायची, हाँ इलायची दानेदार जिसमें दाना भरा हुआ हो, हाँ ज्यादा नहीं, चुटकी भर हाँ सेंधा नमक। सेंधा नमक अगर नहीं मिले तो उस हाँ परिस्थिति में फिटकरी भी चल सकता है। फिटकरी भी चल सकता हाँ, है। हाँ और सभी को हाथ में लेके, हथेली की, जो बच्चे हैं जी, उनके हथेली पे रख के, मैंने हाथ पर रख के। हाँ हाँ हाथ पर रख के, हाँ और ये उसको जो है, जो सेंधा नमक या फिटकरी जी जो भी, उसको रख के और 7 बार एंटी क्लॉक, अच्छा, घड़ी हाँ के विपरीत दिशा घड़ी में। के विपरीत दिशा हाँ में, हाँ जिसको अनामिका अंगुली जी कहते जी हैं, ये अनामिका जी है। इस अनामिका अंगुली से ऐसे रख के और हाँ 7 बार उसको घुमाना है, हाँ ऐसे करके हाँ 7 बार घुमा के, और हाँ उसके बाद ये जितने सारे चीजें हैं हाँ सबको एकत्रित करके और किसी भी पात्र में रख के या किसी भी कागज में उसको समेट के, जी और कहीं भी अगल बगल या कहीं भी अगर आपकी पीपल के वृक्ष हों हाँ तो वहां पे जाके थोड़ा सा उसके नीचे में जमीन को, मिट्टी मट्टी वहां से हटा के। हटा के, हाँ और हाँ उसको मन में जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी चीजें हैं, हाँ उसको बोलते हुए उसको दबा दीजिए। प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजेश जी, कि जी एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह जी के जी अंतराल जी उनको उस बच्चे में बहुत चीजें, उनको कुछ चेंजिंग, बदलाव हाँ बदलाव बदलाव में। उनको हाँ देखने में, समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आगे बढ़े उससे पहले बताइए वो चीजें, लॉन्ग 7 गो 7 लौंग, लौंग फूल फूल वाली के होनी साथ। चाहिए हाँ जी, हाँ इलायची, इलायची अच्छा, इलायची, इलायची का हाँ दाना नहीं, पूरा संपूर्ण। पूरा संपूर्ण हाँ इलायची 5 या 7 होनी छोटी चाहिए। हाँ इलायची। हाँ हाँ 5 या 7 होना चाहिए। हाँ हाँ ये दोनों को हाँ करके, और ये दोनों को करके राजेश जी, हाँ और सेंधा नमक एक चुटकी डाल के, और एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉक हाँ घुमाना है। अनामिका, आप सभी देख ले ये अंगुली, इसको अनामिका अंगुली कहते हैं, ये जिसको रिंग हाँ फिंगर भी हम कहते हैं। हाँ इससे 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के वो बच्चे करेंगे, जिस बच्चे में ये सारी चीजें हैं वो जी बच्चे जी को करना है जी वो जी करके, और शाम में गोधूलि बेला में ध्यान रखना है, कोई पीछे से टोके नहीं, हाँ कोई इस विषय पे कोई बात नहीं करे, हाँ और जाके गोधूलि बेला में पीपल वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे में थोड़ा सा मिट्टी की मट्टी हटा खुदाई के। हाँ करके हटा के, और हाँ उसको दफना देना है, जो भी अपनी अभिलाषाएं इच्छाएं होंगी, गाड़ देना है उसके हाँ नीचे उसको जा। गाड़। दूसरी बात, हाँ किन्हीं कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो हाँ तो उन कन्या को करना यही कि 7 खड़ा उड़द, खड़ा काला उड़द खड़ा उड़द, अनेक टूटा हुआ नहीं। न टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खड़ा उड़द, हाँ काजल, काजल अच्छा ले लेना है अच्छा और खड़ा उड़द ले लेना है। 7 खड़ा उड़द ध्यान रखना है इस जगह पे होना चाहिए, ये जो उभार है जी तरत्ती इसको का पर्वत कहते हैं, पर्वत पर हाँ पर्वत पर होना दाहिने चाहिए, तरफ या शुक्र बाएं आंख हाथ में, ने बाएं हाथ में, बाएं हाथ हाँ में शुक्र पर्वत पे रख लें, जी। और रखने के बाद काजल, तुलसी का डंठल अगर हो तो अति उत्तम, तुलसी का डंठल नहीं हो तो कोई भी डंठल चलेगा, काजल
काजल को लेके और सातो उरद पर लगा के और फिर वही चीजें अनामिका अंगुली से, ठीक है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणिम तारणिम दुर्संसार गस्य क्लोद्रवा, इस मंत्र को पढ़ते हुए और वही फिर सात बार एंटी क्लॉक वैसे घुमा देना है और मंत्र एक बार, हाँ, फिर से, एक बार फिर से मंत्र में फिर एक बार दोहरा देता हूँ। हाँ, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारणिम तारणिम दुर्संसार गस्य क्लोद्रवा, इस मंत्र को बोलते हुए सात बार फिर उसी तरह से एंटी क्लॉक घुमाना है राजेश जी। हाँ, और घुमा के जो कन्या है, जो बालक है जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, हाँ, उनको चेहरे से, हाँ, ये करके और सात बार चेहरे से एंटी क्लॉक घुमा देना है। हाँ, किसी भी चौक चौराहे अगर नहीं बन पाए तो कम से कम घर के आगे कोई रास्ता होगा, ये घुमाते हुए चारों दिशा में उनको, हाँ, वो बिखरा देना है। अच्छा, फेंक देना है, फेंक देना, इसमें मिट्टी में दबाना नहीं है, इसमें दबाना नहीं, मतलब हम एक बार कह दें कि जो उभरी हुई जिसको माउंटेन भी कहते हैं, ये बाएं हाथ के इस पर सात खड़ा उरद और काजल को उससे सातों को लगा देना है, सातों को लगा देना है ना, डंटल तुलसी, डंटल तुलसी का रहेगा, किसी का भी चलेगा, प्रयास करना है तुलसी का डंटल, और उसके बाद उसको सात बार एंटी क्लॉक घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमा देना है और फिर वो मंत्र पढ़ना है। हाँ, उस मंत्र को जो हमने मंत्र अभी बताए फिर एक बार में बता दे, बता ही दीजिए, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणिम तारणिम दुर्संसार गस्य क्लोद्रवा, इस मंत्र को पढ़ते हुए जो भी कन्या जो भी पुरुष होंगे, हाँ, वो हाथ में सात बार घुमाते हुए, हाँ, और अपने चेहरे से घुमाते हुए और अपने चारों दिशाओं में छिड़क देना है बाहर में, घर से बाहर, और पैर हाथ धो के घर के अंदर में चला आना। ये आज गोधूली बेला में, आज गोधूली बेला में, हाँ, हाँ, ये कर लेना है राजेश जी। हाँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक महीना के अंदर, हाँ, जिस कन्या या जिस पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, एक महीना के अंदर जैसे लग्न प्रारंभ होगा एकदम शुभ समाचार मिलेगा, और जितना मेहनत वो कर रहे थे वो एक महीना के अंदर सारे मेहनत उनके दिख जाएंगे। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहते हैं आचार्य रूपेश पाठक जी, ये जो क्रियाएं आप बताते हैं जी, है ना, या जो लोग भी बताते हैं जी, जी, इसका आधार क्या है? ये योगिनी क्रिया कहते हैं राजेश जी इसको। हाँ, योगिनी क्रिया कहते हैं, जैसे आप सुनते हैं 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, ठीक है ना, 64 योगिनी के बीच में एक भैरव है, ठीक है, यहाँ लोगों का देखिए कैसे कहते हैं कि भ्रांते, लोग यहाँ गाते हैं 64 योगिन गावत नित्य करत भैरव, नित्य नहीं है, नृत्य नृत्य, हाँ, नृत्य, हाँ, मतलब योगिनियों के बीच में भैरव नृत्य कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, तो ये 64 योगिनी में से कई योगिनी कई यक्षिणी है, उसी में से कुछ यक्षिणियां हैं जिनकी ये सिद्धि की जाती है, और उसी सिद्धि मात्र से ये सारी चीजें जो हम लोगों को बताया जाता है, जो गुरु या फिर और भी जिनके द्वारा जिनके मार्फत हम लोगों को बताया गया है समाज के सामने हम लोग रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए और एक सहज जिज्ञासा है आपसे, कहते हैं कि अगर रिचुअल्स को सही तरीके से नहीं किया गया तो उसके विपरीत प्रभाव भी आ सकते हैं, तो यहाँ क्या ये सब सारी चीजें हैं? मैं बता दूं राजेश जी कि ये जो है ये कोई तंत्र विद्या है नहीं, ठीक है ना, ये आपको आयुर्वेदिक दवा जो होता है जिसको औषधि हम कहते हैं जी जी जी, वो खाने से आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, बेशक वो सेट करे ना करे लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथी नहीं है, फायदा नहीं होगा तो नुकसान, नुकसान भी नहीं होगा, हाँ, हाँ, फायदा होना है, हाँ, फायदा तो होना ही है, क्योंकि मंत्र यंत्र तंत्र जी जी है ना, मंत्र है ठीक है और यंत्र है, ये तंत्र नहीं है जी, तो अच्छी बात है, हाँ, ये तंत्र नहीं है, अच्छी बात है, कोई भी साधक या कोई भी जातक अगर इस चीज को करते हैं तो सफलता तो मिलेगी ही, और किसी को 20% मिलेगा, किसी को 120% मिलेगा, जी जी जी, बट मिलना सबको, मिलना सबको है। आचार्य रूपेश पाठक जी का हमेशा ये जो पॉजिटिव नोट होता है ना कि मिलना सबको है और प्रयास करने की जरूरत है, और इन्होंने लिख के दिया था है ना, कौन सा आज अमावस्या है? सोमवती अमावस्या है, और आज चंद्र ग्रहण भी है, और आज के दिन ही अमावस्या के दिन दो चीजें आचार्य जी ने बताई कि अगर बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, या जिन कन्या या जिस पुरुष का विवाह बहुत मुश्किल हो रही है होने में, या कुछ इस तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि देर हो रहा है, तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आचार्य जी के इस उपाय का भी हाँ स्वागत कीजिए और थोड़ा सा कर लीजिए, क्या बुरा जाता है। आचार्य महोदय चले जी, धन्यवाद, नमस्कार।